हाय दोस्तों, मैं भीम सिंह रखवाल। दोस्तों देखिए, ये मेरे पास FND का होम थिएटर आया हुआ है। देखिए, ये मैं इसका मॉडल नंबर ये दिखा देता हूँ। देखिए ये, देखिए ये इसका मॉडल नंबर है TX ये। और पीछे से भी मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। ये भी मैंने खोला ही भरूँ फिर। देखिए देखिए ये वाला, और पहले भी मैंने एक बार ये बनाया हुआ था इस टाइप का मॉडल। और देखिए इसमें पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है। अगर इसमें ये रिपेयर होता है तो मैं रिपेयर करता हूँ। अगर इसमें मॉड्यूल लगेगा तो फिर से मैं मॉड्यूल लगा के बताऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत से मेरे भाइयों ने कंप्लेंट किया था, उन्होंने ये मॉड्यूल लगाया लेकिन लग नहीं पाया, ये समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो देखते हैं फिर से मैं इसमें एक अगर बनता है तो मॉड्यूल वाला लगाऊँगा जो बताया था, और नहीं वो वाले से काम नहीं करता तो मैं दूसरा मॉड्यूल इसमें लगा के आपको दिखाऊँगा कि कौन सा लगता है। चलिए दोस्तों, चेक करता हूँ फिर आगे आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। दोस्तों मैंने ये PCP बाहर निकाल लिया हूँ। देखिए इसको, और इसको मैंने इसमें होम थिएटर में से बाहर निकाल के एक तरफ कर लिया हूँ। और चलिए इसमें देखते हैं कि क्या दिक्कत है। और चलिए मैं देख के बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें ये डायोड लगे हुए हैं, ये वाले ये डायोड शॉर्ट है, और ये फ्यूज़ जो लगा हुआ है, ये फ्यूज़ है जो, ये फ्यूज़ भी ओपन है। यहाँ से मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये फ्यूज़ जला हुआ दिख रहा होगा आपको। देखिए जला हुआ है ये फ्यूज़, और इसमें मैं मीटर को कंटिन्यूटी इस पर रखा हुआ हूँ। देखिए आवाज़ साउंड आ रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कंटिन्यूटी मोड पर दिखा रहा है मैं आपको। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये डायोड जो लगे हुए हैं, ये जो डायोड लगे हैं ये शॉर्ट हैं। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। यहाँ देखिए बजेगा कंटिन्यूटी। देखिए ये, देखिए ये कंटिन्यूटी में बजर बज रहा है। देखिए ये दूसरा डायोड है, ये भी, ये देखिए ये किधर भी ये वाला डायोड, वाला डायोड भी शॉर्ट है। देखिए ये, देखिए ये भी कंटिन्यूटी बज रहा है इसको। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों ये डायोड वगैरह मैं चेंज करता हूँ, निकाल के इनको निकालता हूँ, फिर आगे देखते हैं कि क्या दिक्कत है, शॉर्ट है क्या। दोस्तों इसमें देखिए ये डायोड जो थे, ये मैंने इसमें से ये वाले ही, मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए ये डायोड जो ख़राब थे इसमें, ये डायोड मैंने ये चेंज कर दिए। ये इसमें से दो डायोड जो थे शॉर्ट थे, ये वाले ये 4000-7000 जो भी इसमें लगे रहते हैं वो हटा के मैंने इसमें ये दूसरे ये डायोड हैं, ये 4 डायोड बदल दिए। तो यहाँ पे मैंने ये फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ जो ओपन था वो फ्यूज़ ही मैंने इसमें लगा के, ये देखिए ये फ्यूज़ मैंने इसमें कंप्लीट कर दिया हूँ इसको मैंने। और चलिए मैं इसको सप्लाई देके और देखते हैं कि सेट और ये सप्लाई बनती है ऑन होती है कि नहीं, कि या तो ये इसका जो माउसपैड लगा हुआ है ये माउसपैड सही है ये वाला। और मैंने और भी चेक किया, इसमें रेजिस्टेंस वगैरह इसकी सब सही बता रही है चेक करने पर। अब मैं इसको यहाँ सप्लाई देके वोल्टेज चेक करते हैं, अगर बनती है तो बन गया, इसमें मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो रेगुलेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो रेगुलेटर दिख रही है, ये रेगुलेटर, ये अगर ये रेगुलेटर ख़राब हो जाती है तो फिर ये पावर सप्लाई नहीं बनती, इसमें मॉड्यूल ही लगाना पड़ता है। चलिए वोल्टेज चेक करते हैं इसके, ज़रा कितने वोल्ट बन रहे हैं और क्या है। दोस्तों मैंने इसको सप्लाई दे दी है, और यहाँ से मैं मीटर पर वोल्टेज दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये इसका मेन कैपेसिटर है, और ये इसका प्लस और ये माइनस है। यहाँ मैं लगा रहा हूँ, देखिए मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये देखिए इसके कंडेंसर के ऊपर 391 वोल्ट सप्लाई आ रही सीरीज में लगा हुआ है, और यहीं चलते हैं इसका ये आउटपुट है यहाँ पे। तो आउटपुट में यहाँ मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ, कोई माइनस वाला लगा जी। देखिए ये कि मैं हाथ हटा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ देखिए 13 वोल्ट इस पर बन रहे हैं,
ये इसका मैं ग्राउंड यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 13 वोल्ट दिख रहे हैं आपको, 13 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं, 13 वोल्ट और माइनस यहाँ पे 13 वोल्ट यहाँ पे भी बन रहा है, मतलब ये पावर सप्लाई ओके हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से होम थिएटर में कनेक्ट करता हूँ, डिस्प्ले आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए देखिए दोस्तों ये पैक कर लिया हूँ, ये इसका मॉडल नंबर पहले भी दिखाया था मैं, ये इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, ये है, ये पूरा होम थिएटर मैंने पैक कर लिया हूँ और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। और मैं अब इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये सेट ऑन हो गया और मैंने इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट करके रखा हुआ हूँ और ये कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको इसका म्यूजिक नहीं सुना सकता, ये तो इसमें मुझे दिक्कत हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका, सेट चालू हो गया, इसका जो फॉल्ट था वो क्लियर कर दिया मैंने। मैं बोल रहा आपको बता रहा था कि इसमें मैं मॉड्यूल लगाऊंगा, लेकिन मॉड्यूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, पावर सप्लाई ही रिपेयर हो गई इसकी, उसमें डायोड और जले हुए थे उसके कारण ये दिक्कत उत्पन्न हुई थी वोल्टेज के कारण, और प्रिंट भी जल गई थी। चलिए दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों।